केले की ये खेती ऑर्गेनिक तरीके से की गई है, यानी इसे उगाने में किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पौधे यूपी के जालौन में लहला रहे हैं, जो इलाका पानी की कमी वाले बुंदेलखंड में आता है। केले की खेती में ये नया प्रयोग किया है बैरागढ़ गांव के किसान ब्रिजेश त्रिपाठी ने। हमने कई जगह जाके देखा कि लोग जो है केले की खेती कर रहे हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफी लाभदायक फसल है, काफी लाभ हो सकता है। तो हमने भी प्रेरणा लेके जो है इसको लगाया और हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छी उपज देगी। ये मान के चलिए आप कि लगभग हमारा जो 3000 से कुछ ऊपर है, तो 900 कुंटल तक हमें लग रहा है कि इसको उत्पादन आ जाएगा और भाव भी 14-15 रुपए किलो हमें मिलेगा। ब्रिजेश महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाली केले की खेती से प्रभावित हुए। जलगांव अपने प्रदेश का आधा जबकि देश का लगभग 16% केले का उत्पादन करता है। ब्रिजेश ने यहीं से पौधे मंगाए। 2019 में टिश्यू कल्चर के जरिए 1 हेक्टेयर जमीन पर केले की G9 प्रजाति के पेड़ लगाए। इसके लिए ब्रिजेश खेत में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। हम तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं इसको, और गोबर जो हमारे यहाँ गोबर है उसको डलवाते हैं, और ज्यादातर ऑर्गेनिक का हम उपयोग कर रहे हैं इसमें, और काफी हमें लग रहा है कि काफी ठीक है। ओले भी पड़ गए थे दिसंबर महीने में, ओले भी पड़ गए, काफी फसल डैमेज हुई, लेकिन इसके बाद भी जो फूल फल आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि उपज ठीक आएगी। 1 से 1.25 हेक्टेयर के लगभग है, 3000 प्लांटेशन अभी लगाए यहाँ। किस तरीके से आप कर रहे हैं, आपने जो लगाए हैं कब लगाया था इसे? जी हमने अगस्त में लगाया था, प्योर जैविक पे कर रहे हैं, गोबर और वर्मी कंपोस्ट, और काफी जो भी खाद बनवाते हैं हम घर पे ही बनवाते हैं अपना। बुंदेलखंड इलाके में कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश से किसानों को अक्सर घाटा उठाना पड़ता है। ऐसे में जोखिम के बावजूद ब्रिजेश की ये सफलता आसपास के किसानों को लुभा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन से अनुज कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।